Assalamualaikum everyone and welcome back to my YouTube channel. Hopefully you're all doing great. और आज का प्लान कुछ ये है कि I woke up early and I finished my work. तो I need to buy some like kitchen utensils और मुझे कुछ grocery करनी थी. So we are going there and this vlog is going to be the random one. क्योंकि मुझे नहीं पता कि आगे हमने कहाँ जाना है. मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं. तो बाय द वे टुडे इज द हाफ डे, क्योंकि कल जो है वो गुड फ्राइडे है, तो आज हाफ डे था. सो गाइज वी आर हेयर, दिस इज द ग्रीन वाइन मार्केट एंड दिस इज हलार मार्केट वेयर वी गेट मीट. तो बस अभी जाते हैं अंदर, और अभी हमने यहाँ से कुछ चिकन लेना था. तो बहुत अच्छी मार्केट है ये वाली, और काफ़ी बड़ी भी है. हाँ, ऑर्गेनिक जो है ना, यहाँ ऑर्गेनिक मीट मिलता है हमें, अच्छा मीट होता है इनका. ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स वहाँ मिल जाती हैं हमें इजीली, और बस और वहाँ सारा जो है ना हमें मीट मिल जाता है. अब लॉट ऑफ ऑप्शन यहाँ देखें, आप लोग देसी लोग आते हैं, यहीं से खरीदते हैं. मुझे चाहिए थे चिकन ब्रेस्ट, ये चाहिए था मुझे चिकन ब्रेस्ट. दो चाहिए थे बाय द वे. पूरा टर्की यहाँ पड़ा है. ये टर्की कौन बनाएगा? आप टर्की बना लेंगे क्या? हाँ, टर्की है ये पूरा. यहाँ गोट के फीट भी हमें मिल जाएंगे, पाए वगैरह. Shank. This is the halal lamb shank and goat shank also. Pai pade hain sare. Liver, brain. Sab kuch milta hai. Sab kuch. So here we have all the beef options. Whole halal beef mix. Beef keema is also here. Aur yahan jo hai na, hame jo hai wo matlab agar jo hame cheez chahiye hogi, humne us time like अपने अकॉर्डिंगली, ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली हमें जो चाहिए होगा वो हम यहाँ से उनको कहेंगे, वो लोग फिर हमें यहाँ से ना काट के पैक कर देते हैं. ये क्या है ना, हमने और लास्ट टाइम हमने कुछ लिया था. आई थिंक वी गॉट, हमने ये लिया था बीफ सलामी. नहीं, ये स्मोक टर्की ब्रेस्ट. या या, वी बॉट द स्मोक टर्की. ये भी बहुत अच्छा था, इट वाज सो गुड. या ऑलरेडी हमारे पास बहुत कुछ पड़ा है, तो घर में तभी हम नहीं खरीद रहे. गाइस वी आर हियर एट कॉस्को. कुछ ना कुछ यहाँ से भी लेना था. जब भी हम यहाँ आते हैं ना कॉस्को, तो हम वहाँ से आकर यहाँ खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि कोई कुछ नया आया है डील में, तो हम लोग ना खरीद लेते हैं यहाँ. और देख, ऑलरेडी खड़े हो गए हैं वहाँ देखने. आए वहाँ से पेपर टॉवल भी तो लेने हैं. चले, वो किस साइड पर है? चले जी, ये रहे पेपर टॉवल्स जो हम लोग लेते हैं. दे आर रियली गुड इन क्वालिटी. और एक ये लेना है हमने. एंड वेयर इज द टॉयलेट पेपर? क्या लिखा है? आर सॉफ्टेस्ट एंड मोस्ट अब्सॉर्बेंट. ओके, ये लेते हैं. हाँ जी, भालू भी खुश है. भालू भी खुश हो जाएगा. भालू खुद कह रहा है भाई सॉफ्ट है. दीज आर द टॉयलेट पेपर्स बाय द वे. तो बस हमें यहाँ नज़र आए स्कॉट के. लास्ट टाइम हमने स्कॉट के लिए थे, तो हम अब ये वाले लेंगे. क्योंकि भालू साहब, आपके वाले जो है ना, हमें कंफर्म नहीं है कि आपका कैसा है, तो आपके हम नहीं ले रहे. ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता. ये भालू उल्टा कर दिया आपने. बिकॉज दिस ब्रांड इज़ वेरी गुड, इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है. तो और ज़ोर से मारे. Finally, I found these kitchen mats जो मुझे आज यहाँ नज़र आ गए. तो बस देख रहे हैं कौन सा लेना है. Already ना यहाँ कलर्स बता दिए कि we have these options. They have four options. These four options. So I think we are picking this one. Yeah, that's one. तो ये I think इन सब में से जो है ना ये प्यारा है. Either that, yeah, मतलब ये अच्छा है. Durable and stain resistant.
नो आई थिंक इसकी फिर भी हमें इसको ना धोना पड़ेगा यार. या वी आर बाइंग दिस वन बिकॉज इसकी जो है ना थोड़ा लाइक मॉडर्न जो है ना वो लुक आ रही है ये वाली, तो हमने ये वाला लेना. फिर वही पुरानी जगह हम आ गए क्योंकि हमें याद आ गया था हमें ये ब्लू बेरीज चाहिए थे. दीज आर एंटी ऑक्सीडेंट, दे आर सो गुड. एंड हियर इट इज माई मोस्ट फेवरेट केक. दिस इज सो गुड इन टेस्ट. Little kid in Costco. No, not a little kid. He's a big kid. बड़ा बच्चा आ गया. Oh man, he's looking so funny. ये वीडियो बनाई थी and I'm going to post this clip. No. Yes. Nope. Yes. No. इस तरह बच्चों की तरह कौन? आप कह रहे थे that was very funny. लेने हम क्या गए थे और हम ले क्या क्या कुछ आए यही होता है. तो गाइस आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग, बहुत सीरियस है, उस बारे में मैंने कुछ कहना है आज. इट्स वेरी इम्पोर्टेंट. और वो ये है कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. I want to thank to all of my subscribers who are watching my video and it really means a lot to me. I really appreciate your support. Please keep supporting me kyunki isse jo hai na mujhe thodi aur jo hai na main encourage hoti hu. So we are at Home Goods. होम गुड्स इज़ लाइक वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं और प्यारी प्यारी. लुक एट दीज कम्फर्टर्स, ओह माय गॉड सो ब्यूटीफुल. तो मुझे यहाँ वो बॉल्स नहीं नज़र आ रहे, लाइक ये बहुत बड़ा है साइज में. मिक्सिंग बॉल सेट ऑफ फोर, ये मिल गया मुझे, शुक्र है. और मुझे ये बहुत अच्छे क्यूट से जो है ना छोटे छोटे जो है ना बॉक्सेस हैं. वी यूज़ इस फॉर लाइक मल्टीपर्पज. मोस्ट लाइकली मैं इनको यूज़ करती हूँ लाइक अगर मुझे कोई फूड थोड़ा सा बच जाता है तो उसको हम फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं. फाइनली आई रिसीव माय सोफ़ा एंड बस वो डिलीवर हो गए हैं और अभी वो लाएंगे अंदर. इधर हमने इंशाल्लाह इनको सेट करवाना है तो बस फाइनली आ गया वो, अब डिलीवर कर रहे हैं. अच्छा जी ये देखें इस टाइम घर की सिचुएशन. जब हमने एक उसको हमने अनपैक किया वो रखा और बस अब हमने यहाँ एक कॉफ़ी टेबल हमने ऑर्डर की थी वो आ गई है और वो हम अब यहाँ एडजस्ट करेंगे और अब हम इसको खोल रहे हैं. माय गॉड क्या होगा आज. जल्दी से इसको जो है ना सेट करते हैं इस टेबल को यहाँ और फिर आप लोगों को दिखाते हैं. तो जी ये अब कॉफ़ी टेबल फाइनली सेट हो चुका है और उसके साथ ये 3 स्टूल्स हैं और एक इन्होंने यहाँ आउटलेट भी यहाँ दिया है इन्होंने इस साइड पे ताकि हम जो है ना यहाँ इधर कुछ भी लगा के लाइक अगर हमने यहाँ लैपटॉप पे बैठ के काम करना है या कोई भी चीज़ देखना है तो हमें यहाँ हम जार्डिंग पे लगा सकते हैं. और शुक्र है ये हमारा सेट हो गया. ये हमें कॉस्को से मिला था तो हमने ये ख़रीद लिया था तो फाइनली ये सेट हो गया. Okay guys, I want to share a recipe of pancake which can be very healthy and fulfilling especially for shahri. Agar aap logon ko bhook nahi lag sakti to aap ye bana sakte hain. So for this pancake we are going to make a batter first and these are the ingredients. I am using 4 eggs and 1 tablespoon of Greek yogurt and after that I am adding 1 scoop of protein powder. और उसके बाद मैंने इसमें ऐड किए थे 2 टीस्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर एंड 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर और फिर उसके बाद मैंने इसमें 1 बनाना ऐड कर दिया था. बाय द वे इफ़ यू गाइस यूज़ अ होल व्हीट फ्लावर इट विल बी मोर हेल्दी फॉर यू बिकॉज इट इज़ रिच इन फाइबर एंड फाइबर हेल्प स्टेबलाइज द ब्लड शुगर सो यू विल फील मोर एनर्जेटिक. तो बस अच्छे से इसको हमने ब्लेंड कर लेना है एंड इन द एंड यू कैन ऐड मैपल सिरप और प्लेन हनी. So
yeah, now I'm adding this batter in the pan. एंड जो फ्लेम है उसको लो रखना है और बस इसको अच्छे से जो है वो हमने पका लेना है. और अनफॉर्चुनेटली जो है ये यहाँ ख़राब हो गया था एनी वे. या तो होपफुली ये रेसिपी आप लोगों के लिए जो है वो हेल्पफुल होगी. सो इफ़ यू गाइज लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड या देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.